अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सुबह सुबह का टाइम, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, अपने लिए एग्स बॉयल करने के लिए रखे हैं अभी। और ये मैं रात को लेकर आई थी टूथपेस्ट मिसवाक। तो हम लोग पूरी कोशिश कर तो रहे हैं कि हम लोग इसराइली प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका बायकॉट करें, वो ना यूज़ करें। आप लोग भी ट्राई करें, लेकिन हमारे पास ना रिसोर्सेज इतने कम है ना कि हम यार सब कभी कभी समझ ही नहीं आता कि ना किस तरह से और क्या चीज़ हम बाय करें। अब मेरी मामा और सिस्टर ग्रॉसरी करने गए हैं, पहले तो बस वो जाते थे और आधे घंटे में लेकर आ जाते थे ना राशन। तो अब जब वो गए, उनको मार्ट में कोई 2-3 घंटे लग गए सिर्फ ये ढूंढते हुए, लिस्ट से देख देख के कि कौन से प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी हैं और कौन से प्रोडक्ट्स उनके हैं। और कुछ चीज़ों का तो अल्टरनेटिव है ही नहीं ना, तो वो तो हमें मिल ही नहीं रही थी। तो खैर, मेरी टूथपेस्ट ख़त्म हो रही थी, तो इस दफ़ा मैं हमेशा बचपन से कोलगेट मैक्स यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे गम्स में से ना ब्लीडिंग होती है सुबह सुबह डेली, तो सिर्फ कोलगेट मैक्स जो है ना उससे मेरी ब्लीडिंग स्टॉप होती थी। लेकिन इस दफ़ा मैं अब ये लेकर आई हूँ मिसवाक, और इसको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये कैसा है। और अभी मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। और रात इतनी हमारी बुरी गुजरी है ना, रात को ब्राउनी की भी तबीयत ख़राब थी और फ्लोरा की बहुत तबीयत ख़राब थी। फ्लोरा के कान में इतना दर्द था, तड़प रही थी, कभी इधर भागती थी उधर भागती थी। फ़ौरन से फिर रात को 11 बजे भाई से मैंने सिरप मंगवाया, पिलाया, अब माशाल्लाह ठीक है, खाना शाना इन्होंने खा लिया अभी दोनों ने। दिखाती हूँ आपको दोनों को। फ्लोरा बैठी हुई है बाहर से घूम घूम के, खेल खेल के आ गई हैं। और ये है मिस बलोनी। बलोनी आप भी बाहर से आ रही हैं ना? और ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही हूँ? ये जी मैंने एग्स बॉईल करने के लिए रखे हैं, दो मैंने अपने लिए रखे हैं, एक मैंने फुजैल के लिए रखा है और एक मैंने रखा है मिस मैगी के लिए और फ्लोरा और ब्राउनी के लिए। अभी भी वेट कर रही है कि कब बॉईल होगा और कब हम लोग खाएंगे। ये देखिए जी, इन्होंने अंडा अपने लिए बॉईल किया है, साथ मुझे भी बॉईल कर दिया और बच्चों को भी, और बच्चे खुद ही ना बाउल से निकाल के खा रहे हैं। वो मिस मैगी भी ना अंडा खा रही है, मैडम ब्राउनी भी खा गई अपना माशाल्लाह से। मैडम ब्राउनी अभी आपको देता हूँ मैगी, ये देखें जी मैगी किस तरह मुझसे खींच के ले जाएगी, ये देखें ये देखें दो देखें, मैगी मैडम खींच के ले गई, अब आराम आराम से खाएंगी। अब मैडम ब्राउनी का ये जो पार्ट होता है ना अंडे का, तो ये मैडम ब्राउनी को देते हैं। आप ना बॉयल अंडा नमक मिर्चों के बगैर आपने देना, ये जो स्लाइस है ना ये मेरा है, ये कैट्स का नहीं है। कैट्स का देखें ना, नमक है ऊपर ना ही कोई काली मिर्च वगैरह, बिल्कुल सादा हमने एग इनको दे रहे हैं। तो अब मैडम ब्राउनी खुद ही खा रही हैं, ये लो वो छोटी फ्लोरा। अब मैडम ब्राउनी को हमने जर्दी दी है, वो जर्दी बड़े शौक से खाती हैं, और ये अपना अंडा उठा के मैं खा लेता हूँ। अच्छा, और लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम अपनी कैट को डेली अंडा खिला सकते हैं, बताओ तुम बताओ। खिला सकते हैं, विंटर्स में खिला सकते हैं दीदी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में और बहुत फुल कुक रहते हैं। जिस तरह एक कुक टुबार में ना वैसे ही खिला सकते हैं। का बाप आ गया जी, सबका बाप देख के अंडा कैसे खा रहा है। ब्राउनी के आके मुंह से खींच लिया, वो पार्ट मैं आपको दिखा नहीं सका। अब ये देखें, ये पार्ट देख लें आपको दी, ये जो भी हो रहा है छोटी फ्लोरा के मुंह से खींच के खा गई है। ये कायली, वो नीचे कारपेट पे भी गिराया हुआ है। टेडी कहाँ है? टेडी को आज पूरे 1 हफ्ते बाद रोटी खाओगे कैसा फील दस दिन होगा? बाद 10 दिन बाद दो तेरी 10 दिन बाद रोटी खा लिया। ये भी रोटी आमंड फ्लावर की बनी हुई है। दिस इज माय प्लेट। बड़ी प्यारी खूबसूरत सजी हुई प्लेट है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। एक मिनट दिखाओ। 10 दिन बाद खाना खा के आपको कैसा फील होगा? अभी मुंह में मेरे ना हाथ कांप रहे हैं, वीकनेस से कांप रहे हैं ना। 10 दिन के बाद रोटी खाने लगी हूँ। देखते हैं जी फर्स्ट इम्प्रेशन, 10 दिन के बाद खाना खाने का कैसा फील हो रहा है? लग रहा है नॉर्मल लाइफ पे वापस आ गई हूँ। बहुत मजा आ रहा होगा।
बहुत मजे का बना है पालक मटन। हमारे मुंह में पानी आ रहा है पर हम खा नहीं सकते। ये है जी पालक मटन साथ काफ़ी सारा सैलेड, रेड चटनी और रोटी। कौन सी है? कोकोनट फ्लावर की बनी हुई, कोकोनट फ्लावर की रोटी बनी हुई है। राया आपको नहीं मिल सकता, आप चली जाओ। चलो जी तुम खाओ, अल्लाह तुम्हें नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब अब खैर वाफियत से होंगे। अभी जो है हम टू ब्रोनीस को धोखे से अंदर से बुलाया है और अभी हम उन्हें पिलाने लगे हैं सिरप, ये अमोक्सिल 250 mg। तो देखते हैं वो आती हैं कि नहीं। ब्रानिया आ जाओ आ जाओ, देखें जी आ जाओ, ये देखो ये तुम्हें सिरप पिलाना है। मैंने ना बड़े ट्रिक्स इन दोनों को बुलाया है और अभी सिरप देख रही हैं वो। अब देखें कितना गंदा मुंह बना लिया ब्रोनी ने, बहुत ज़्यादा फ्लोरा ने गंदा मुंह बना लिया है। अब इसको पता चल गया, ओ देखें ब्रोनी की तबीयत ही ख़राब होने लग गई है सिरप को देख के। ब्रोनी ब्रोनी अभी अभी अच्छी बली निकली थी और जैसे ही सिरप को देखा तो ना मुँह खराब मूड ख़राब हो गया ब्रोनी का। पहले आंखें चमक रही थी और अब देखना मेरे पीछे भी नहीं आई। आ जाओ ब्रोनीस आ जाओ आ जाओ, देखें जी समझदारी देखें इन दोनों की, अब आ नहीं रही। ब्रोनी ब्रोनी फ्लोरा देखें अब नहीं आ रही उसको, उनको पता है, उनको पता है कि हमें सिरप पिलाया जाएगा तो हम नहीं जाने। बड़ी ब्रोनी के तो ना मुँह के मुँह ना ऐसे जुबान मतलब के गंदे तरीके से फेर रही है कि मैंने नहीं पीना सिरप। ब्रोनी ये पियोगी ये पियोगी ये पियोगी ब्रोनी? ब्रोनी को तो ना इसकी स्मेल ही बड़ी गंदी लगती है। ये देखो ये देखो ये पीछे हो रही फ्लोरा, अब ये पीना है तुमने। चलो आ जाओ आ, वो ब्रोनीज को उठाती लाना, दोनों को उठाती लाओ। वो देखें जी टू गर्ल्स आ गए, वो भाग गई। कैट्स को ना सिरप से सख्त किस्म की एलर्जी होती है, हम सिर्फ इन्हें 1 ml पिलाएंगे और 1 ml इनके लिए इनफ है। तो अब जल्दी से ले आओ बड़ी को ले आओ। छोटी को पिला दिया है, अब आपका नंबर है, अब आप आ जाएं, चलें चलें आ जाएं। आ जाओ मोटी लड़की, आ जाओ 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 आ जाओ। चलो जी चलो 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 पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, ट्रीट मिलेगी ट्रीट 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 ट्रीट। जाओ 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 जाओ। अच्छा जी जब भी आपकी कैट्स सिरप पीती है ना तो मुँह से झाग निकालती है, तो उसकी अब टेंशन ना लिया करें। वो कैट का सिस्टम ही ऐसा होता है अल्लाह की तरफ से ना कि झाग निकालती है मुंह से सिरप पीने के बाद। अब जी हम बाहर जा रहे हैं, ज़रा कुछ चीज़ें लेनी हैं, फिर वापस आएंगे, फिर वीडियो शुरू करेंगे। आगे जो वीडियो का आगाज़ होगा बाद में करेंगे, वो देखें। टू गर्ल्स ऊपर लेटी हुई हैं वो, चलें जी हम चलते हैं, हम काफ़ी लेट हो रहे हैं। एक वो लड़की लेटी हुई है और एक वो लड़की ऊपर लेटी हुई है। अगर कैमरा फोकस कर रहा हो तो आपको नज़र आ रही होंगी, देखें मैंने फोकस किया है। चलें जी हम आते हैं वापस, फिर आपके साथ ब्लॉग फिर आपके साथ बात करेंगे।